हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सीज़न की अगर बात करें तो आज के सीज़न में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में पिछले 20 साल में सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस सीज़न में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सीज़न में हम लोग टोटल 60+ क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सीज़न बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर सीज़न पसंद आए आप लोगों को तो सीज़न को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या सेशन जो भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करके देखिएगा कि आप लोगों कितने क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शेर शाह का जन्म बजवारा, जो कि होशियारपुर में है, वहाँ पर कब हुआ था, इनमें से किस ईस्वी को हुआ था, ये पूछा गया है, किस साल को हुआ था। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि शेर शाह का जन्म बजवारा में हुआ था, जो कि होशियारपुर में है, किस साल हुआ था। तो शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। क्लियर है, 1472 ईस्वी में शेर शाह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बजवारा में, जो कि होशियारपुर में है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम इनमें से क्या था, ये पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरीद खान। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी इनमें से। फरीद खान जिनको बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, तो उन्होंने इनमें से कौन सी जगह से शिक्षा प्राप्त की थी, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जौनपुर। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के पिता जिनका नाम हसन खां था, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम जो जगह थी वहाँ पर क्या थे, इनमें से ये बताना है। शेरशाह के पिता जिनका नाम हसन खां था, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो सासाराम जगह है वहाँ के जमींदार थे, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। शेरशाह के पिता जो थे वो जमींदार थे सासाराम के, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी, इन्होंने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी, इनमें से ये बताना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ, अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। बिहार के जो अफगान शासक थे सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी, इन्होंने शेर शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर कौन सी उपाधि प्रदान की थी, जिसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेर खां। शेर शाह सूरी को बिहार के अफगान शासक जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी था, उन्होंने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सूर साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह सूरी। ठीक है, आई होप आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और अपना आंसर मैच करके देख रहे होंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो सही हुए हैं या हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। एक्चुअली वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक था, सूर साम्राज्य ने सूरी साम्राज्य होगा, ठीक है, सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। एक्चुअली मैंने भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो वो ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, उस मुगल सम्राट का नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है, उनका जो नाम है वो है हुमायूं, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में शेरशाह ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी, इनमें से वो कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो होगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर खां उर्फ शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। युद्ध जो हुआ था उन दोनों के बीच उसका नाम क्या था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अब ये पूछा गया है कि युद्ध हुआ कब था। तीनों क्वेश्चन को अगर आप रिलेट करके पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेगा, युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था, युद्ध का नाम क्या था, जीता कौन था। तो इस क्वेश्चन को हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, जरा सा आप लोग दिमाग इतना यूज करेंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली आप लोग दे पाएंगे कि वह कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था। तो उस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था, बिलग्राम का युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद, ये जो 1540 में युद्ध हुई थी, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो उसके बाद हुमायूं भारत से निर्वासित किया गया था शेरशाह के द्वारा। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर इनमें से किस साल बैठा था वो बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1540 ईस्वी में। शेरशाह जो था वो दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठा था। फरीद खान ने, यानी कि शेरशाह सूरी ने अपने राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन सी उपाधि ग्रहण की थी ये बताना है। फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन सी उपाधि ग्रहण की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह अल सुल्तान आदिल। राज्याभिषेक के बाद ही फरीद खान को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इन्होंने शेरशाह यानी कि अल सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की थी राज्याभिषेक के समय। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि इनमें से धारण की थी। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराया था युद्ध में, तो उसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजरत अली। नुसरत शाह को हराने के बाद 1529 में शेरशाह सूरी ने हजरत अली की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हशरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, इनमें से ये बताना है। उस सुल्तान का नाम बता रहा है जिन्होंने पहले हशरत ए आला की उपाधि अपनाई और फिर बाद में सुल्तान की। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर इनमें से किसे नियुक्त किया था। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को शेरशाह ने अपने कब्जे में किया था, अपने अधीन कर लिया था, उसको जीतकर उस
इसके बाद वहाँ का गवर्नर इनमें से किसे नियुक्त किया गया था ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदिल खां को। ठीक है, आदिल खां को रणथंभौर के किले का गवर्नर नियुक्त किया गया था। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण कर उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई, यानी कि शेरशाह ने उस किले पर रात में आक्रमण किया था और इस इंसिडेंट को, इस घटना को, उस पर शेरशाह सूरी पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी, तो वो कौन सा किला था? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रायसीन का किला। शेरशाह ने रायसीन के किले पर रात में आक्रमण किया था और इस घटना को शेरशाह सूरी पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायसीन का किला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 में हुआ था, इसमें हुमायूं को पराजित किया था इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी, शेर खान। ठीक है, इन्होंने चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 में हुआ था तो उसमें हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से सम्मत करेंगे इनमें से? ये किस मध्यकालीन शासक का स्टेटमेंट है, कथन है, कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका होता? अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट किनका था, तो स्टेटमेंट था शेरशाह सूरी का। और उन्होंने किस युद्ध में विजय के बाद यह स्टेटमेंट दिया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ विजय के बाद, मारवाड़ विजय जो हुई थी शेरशाह सूरी की, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का जो शीर्ष अधिकारी होता था, वो इनमें से उसे क्या कहा जाता था? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि बरी दे मुमालिक। शेरशाह के अंदर जो गुप्तचर विभाग के शीर्ष अधिकारी होते थे उनका नाम होता था बरी दे मुमालिक। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाहकालीन प्रशासन में कानून गो का काम इनमें से क्या था? शेरशाह के समय में, शेरशाह के प्रशासन में जो कानून गो होता था, तो उसका क्या काम होता था इनमें से, वो बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। कानून गो जो होता था उसका काम होता था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाहकालीन प्रशासन में फौतदार का इनमें से, फौतदार इनमें से क्या होता था? शेरशाह के प्रशासन में जो फौतदार होता था तो इनमें से किसे कहते थे, वो बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोषाध्यक्ष। फौतदार कहा जाता था कोषाध्यक्ष को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत इनमें से कौन होता था? काजी फजीलत इनमें से कौन होता था शेरशाह के शासनकाल में? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि बंगाल का जो प्रांतपति होता था उसे कहते थे काजी फजीलत। ठीक है, बंगाल के प्रांतपति को कहते थे काजी फजीलत। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए इनमें से किन्हें नियुक्त किया था? शेरशाह ने सरायों में रुकने जो रुकते थे हिंदू यात्री, उनको बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए इनमें से किसे नियुक्त किया था वो बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मणों को नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने, हिंदू यात्री को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो कि सराय में रुकते थे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी वो बताना है। शेरशाह के समय में जो सराय निर्मित हुई थी तो इनमें से किस काम नहीं आती थी? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शास्त्रागार के लिए, शस्त्रों को रखने के काम नहीं आती थी ये सराय जो शेरशाह के समय में निर्मित हुई थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे यात्री भी ठहरते थे, डाक चौकी होती थी, अधिकारी भी ठहरते थे यहाँ पे, लेकिन ये जो सराय होती थी ये शस्त्रागार के लिए नहीं होती थी, शस्त्रों को रखने के लिए नहीं होती थी, इस काम नहीं आती थी, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में इनमें से क्या संबंध था ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1:64। 1:64 का संबंध था चांदी के रुपए और तांबे के दाम में, यानी एक चांदी के रुपए के बदले 64 तांबे के सिक्के, इस तरह का संबंध था शेरशाह के शासनकाल में। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर इनमें से क्या थी? अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसका आंसर सुना होगा, तो इसका आंसर आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। इस ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर क्या होगा, 64:1। ठीक है, एक चांदी के सिक्के की बद के बदले 64 तांबे के सिक्के, ये अनुपात होता था, ये विनिमय दर होती थी तांबे के दाम और चांदी के रुपए के बीच। ठीक है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह सूरी ने मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का निर्गत किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम इनमें से किसने शुरू किया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह ने। ठीक है, शुद्ध चांदी का सिक्का जो कि रुपया होता था वह सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था? इनमें से एक तरफ अरबी लिपि में होती थी और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में होती थी, तो यह किस शासक ने करवाया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी ने यह करवाया था कि सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में और दूसरी तरफ देवनागरी भाषा में अपना नाम खुदवाया था। ठीक है, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी इनमें से बताना है। टकसाल वो होता है जहाँ पे सिक्के बनते हैं, तो कितनी टकसालें थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 23, टोटल 23 टकसालें थी शेरशाह के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जब्ती प्रणाली थी एक, वो इनमें से किसकी उपज थी, यानी किसके द्वारा शुरू की गई थी जब्ती प्रणाली?
इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह सूरी। जबकि प्रणाली जो थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी, इनमें से वो बताना है। कौन सा ऐसा शासक था मध्यकालीन शासक जिसने कृषकों के कल्याण के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। पता ही होगा, कृषक कहते हैं उन्हें जो खेती करते हैं, तो उस जो जो शासक था उसका नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीवाना नामक कर इनमें से किसने शुरू की थी। जरीवाना नामक कर इसमें से किस शासक ने शुरू की थी वो बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह ने। जरीवाना नामक जो कर था वो लागू किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीधे रैयत यानी किसान से माल गुजारी वसूल करने की प्रथा इनमें से किसने शुरू की थी। किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने शुरू की थी, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने शुरू की थी सीधे रैयत यानी किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा। शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार इसमें से क्या होता था। शेरशाह सूरी ने जो भूमि कर प्रणाली प्रारंभ की थी तो उसमें मूल्यांकन का आधार क्या होता था, जिसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमीन की सही पैमाइश। ठीक है, जमीन की सही पैमाइश ये मूल्यांकन का आधार होता था भूमि कर प्रणाली का। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। निम्न में से किस शासक ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडे का प्रयोग किया था। निम्न में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडे का प्रयोग किया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था ये बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो औसत पैदावार होती थी उसका जो 1/3 भाग होता था, 1/3 भाग जो होता था वो लगान के रूप में वसूल किया जाता था। शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। मैं थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बताना है शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माप जोख करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो अपनी इच्छा अनुसार शुल्क नहीं ले सकते थे। ठीक है, कृषि नीति जो थी शेरशाह सूरी की, उसके बारे में जो ये कहा गया है कि माप जोख करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट के बारे में देख ले कि शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्सों के लिए दरें निर्धारित की थी, ये भी सही है। शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया, ये भी सही है। अब प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज़ पर लिखवाया था। ठीक है, तो ये भी सही है। तीन ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए इनमें से किस किले का निर्माण करवाया था? उस किले का नाम बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतासगढ़ का किला। शेरशाह ने अपने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ध्यान रखिएगा आंसर होगा उसमें अगर रोहतासगढ़ किले का नाम ऑप्शन होगा तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण इसमें से किसने करवाया था बताना है। क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी। किला ए कुहना जो मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था वो बताना है। इनमें से कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। दिल्ली का जो किला ए कुहना मस्जिद है उसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण इसमें से किसने करवाया था। दिल्ली का जो पुराना किला है उसका जो अभी अभी वर्तमान स्वरूप है तो उसका निर्माण इसमें से किसने करवाया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप सबको पता होगा कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी। ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है शेरशाह सूरी को। निम्न में से किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन है एक और कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किस वर्ष रखा गया, तो 1541 में रखा गया। किस शासक ने रखा था, तो शासक का नाम क्या है, उसका नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल गई, तीन इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया और शासक जिसने रखा था उसका नाम था शेरशाह सूरी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पटना को प्रांतीय राजधानी इसमें से किस शासक ने बनाया था। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह। इन शासकों में से शेरशाह सूरी जो था वो उच्च शिक्षित था, ठीक है। इन सभी मध्ययुगीन शासकों में शेरशाह सूरी सबसे ज़्यादा शिक्षित था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। उस पर एक मूवी भी आई थी तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह की महानता का द्योतक इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे वो इसकी महानता को बताते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में इसमें से क्या सम्मिलित थे ये बताना है हमें। मैं थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, एक बार फिर से कोई देख लीजिए कि शेरशाह सूरी द्वारा इनमें से किए गए सुधारों में क्या सम्मिलित है, इनमें से कौन कौन से सुधार किए थे शेरशाह सूरी के द्वारा ये बताना है। अब आपको ऑप्शंस भी दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, ये जो चारों सुधार हैं वो शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए थे। ठीक है, राजस्व सुधार भी, प्रशासनिक सुधार भी, सैनिक सुधार भी और करेंसी प्रणाली में सुधार भी। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बाकी का जो तीन ऑप्शन होगा वो हमारा गलत कथन होगा, हमें सही कथन के बारे में पता करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी के बारे में जो यह कहा गया है कि वह एक पक्का मुसलमान था लेकिन धर्मांध नहीं था, यह जो है यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देख लें कि उसके बारे में यह कहा गया है वह एक धर्मांध मुसलमान था, यह गलत है। वह पक्का मुसलमान था और हिंदुओं से दुर्व्यवहार करता था, यह भी गलत है। वह दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं था, यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शेरशाह सूरी एक पक्का मुसलमान था लेकिन वह धर्मांध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था वो बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्लाम शाह, जिसे जलाल खां के नाम से भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह या जलाल खां, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पांच दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। थोड़ा और मैं ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, ऑप्शंस दिखेंगे। तो कौन सा शासक था जिसने मानकोट का दुर्ग बनाया था, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस्लाम शाह सूरी। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी ने मानकोट का दुर्ग बनाया था जो पांच दुर्गों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि ये शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेधावी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख खलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में मादवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी या किसने कहा था, किसके द्वारा यह कहा गया था शेरशाह सूरी के बारे में कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, यानी कि के आर कानून गो, के आर कानून गो के बारे में यह कहा गया कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। निम्नलिखित में से किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह का जो मकबरा है उसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी का मकबरा इसमें से कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है वो बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सासाराम में, ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासाराम इनमें से किस राज्य में है। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में, सासाराम जो है वो बिहार में है। शेरशाह सूरी की मृत्यु इसमें से किस जगह पे हुई थी, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिंजर में। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कालिंजर में। शेरशाह के समय कालिंजर का शासक इनमें से कौन था, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीरत सिंह। शेरशाह के समय जो कालिंजर का शासक था वो था कीरत सिंह। शेरशाह को इनमें से किस जगह पे दफनाया गया था, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सासाराम में। यहीं पे शेरशाह का मकबरा भी है, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हुई थी, किस साल हुई थी ये बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1545 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में, कैसे हुई थी, तो कालिंजर जो किला है उसकी दीवार से तोप का गोला टकरा कर आया, जिस वजह से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। फ्रेंड्स, इस तरह जो सेशन है हमारा आज का वो एंड होता है। सेशन आइए, अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई हमारे सेशन के लिए सजेशन हो, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, पूछने के लिए, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए ला पाएँ और आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। तो एटलीस्ट सेशन को 300 लाइक तक पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये आप लोगों का टारगेट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी।